पठान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन पठान के ट्रेलर के व्यूज के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है एक नए नवेले सुपरस्टार ने, जिसका नाम है कार्तिक आर्यन। जी हाँ दोस्तों, ये बात कड़वी लगेगी ये, लेकिन ये बात 16 आने सच है। बताता हूँ आखिर हुआ क्या है माजरा, क्या कुछ साजिश की जा रही है हमारे बादशाह शाहरुख खान के खिलाफ, वो भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ जिसका नाम है बॉलीवुड क्रेजीज, और आप देख रहे हैं ये कमाल का खतरनाक चैनल। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सीधे टॉपिक पर। तो बता दूं क्या हुआ, 5 दिन हो चुके हैं शाहरुख खान के पठान के ट्रेलर को रिलीज हुए। इस ट्रेलर ने 5 दिनों में जो व्यूज काउंट हासिल किए है वो 46.1 मिलियन हासिल किए है। वापस से सुनना ध्यान से, 46.1 मिलियन यानी कि 4,61,00,000 5 दिनों में। 1.9 मिलियन लाइक्स है जो 2 लाख के आसपास, सॉरी 20 लाख के आसपास होने वाले 1.9 मिलियन लाइक्स। कमेंट 195K है, 195K कमेंट, 1,95,000, और अभी भी ये 5th नंबर पर ट्रेंड हो रहा है यूट्यूब पर। ये बात आपने सुन ली, गाड़ बांध के रख ली। अब मैं बात कर दूं शहजादा के, शहजादा के ट्रेलर ने 3 दिन के अंदर ही अंदर 51 मिलियन, जी हाँ दोस्तों 3 दिन के अंदर ही अंदर 51.5 मिलियन व्यूज हासिल कर लिया है, और इसका 3 दिन का टोटल व्यूज काउंट 52 मिलियन के इंच नहीं होने वाला है, और इसने बीट कर दिया है रिकॉर्ड वो भी पठान का। जी हाँ दोस्तों, जो पठान ट्रेलर ने 5 दिनों में व्यूज बटोरे हैं वो शहजादा ने 3 दिन के अंदर ही बटोर लिए है, और लाइक 627K है, कमेंट 39.97K है यानी कि 39,039,000, और ट्रेलर नंबर 1 पर ट्रेंड हो रहा है। तो कुल मिलाकर निस्तनाबूद कर दिया है पठान के ट्रेलर के रिकॉर्ड्स को, वो भी महज 3 दिनों में। पठान को ये व्यूज हासिल करने में 46.1 मिलियन लग गए 5 दिन, और वहीं शहजादा ने 3 दिन के अंदर ये ट्रेलर के रिकॉर्ड को बीट कर दिया है। मुझे पता है ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच है, ये साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ साजिश क्या की गई है। सीधी बात है, शहजादा के ट्रेलर को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसे हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या है ना, आज की दुनिया में पैसा बोलता है, और पैसा कैसे बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, ये आप सभी समझदार हैं। और यहां पर किंग खान को ऐसा लग रहा है उनके खिलाफ साजिश की जा रही है उन्हें नीचे गिराने की सोशल मीडिया पर। लेकिन मैं यहां पे आपके सामने खुद ये दावा करना चाहूंगा कि आते हैं मैदान में, देखते हैं रिलीज होने पर दोनों फिल्में किस तरह से कलेक्शंस करती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पठान का जो फर्स्ट डे कलेक्शन होगा वो शहजादा का लाइफ टाइम कलेक्शंस के आसपास होगा। इस तरह से धूल चटा सकती है शाहरुख खान की फिल्म पठान, और जब ये आएगी तो बॉक्स ऑफिस पर बवंडर लेकर आएगी। तो कुल मिला के कहा जाए, सीधी सीधी बात है कि पठान जो है वो हारने वालों में से नहीं है, और जो हार के जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं। तो ये है हमारे शहर के पठान, जा जीत लिए, जीत ले यूट्यूब, जीत लो यूट्यूब, कोई दिक्कत नहीं, लोगों का दिल तो सिर्फ पठान जीतेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय।